हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए TCS टीम की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, TCS का रिजेक्शन मेल एंड स्टेटस अपडेट। तो आज वीडियो में बात करेंगे किन बैच को आ रहा है, किस लोगों को आ रहा है, कैसे आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो, सब कुछ जो है हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगर आपके पास इस तरह का मेल देखने को नहीं है, मैं आपको मेल दिखा दूं, फिर आप लोग कुछ इस तरह का मेल देखने को आ जाएगा। इफ़ यू हैव गिवन योर इंटरव्यू और यू कैन से एग्जाम, आप लोग देखिए इस तरह का मेल देखने को आ रहा है कि आपका जो है, डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस वी विल नॉट एबल टू टेक योर कैंडिडेचर इनटू द नेक्स्ट स्टेप, बी श्योर टू एनहांस एंड एडवांस योर सेल्फ टू मेक हेस्टेड बी द नियर फ्यूचर विद रिसर्च रेजिडेंस। ओके, तो यहाँ पर अगर न्यूर अगर कोई भी अगर आपका नियरेस्ट में मतलब आने वाले दिनों में कोई हायरिंग होती है तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव क्रॉस योर 3 or 6 month क्राइटेरिया वाट एवर दे हैव मेंशन। बट यहाँ पर आप लोग सोचोगे सर 3 month बाद अप्लाई कर सकते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरी रिक्वायरमेंट आएगी मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे आप लोग अप्लाई दोबारा कर सकते हो। जब भी आपस रिक्वायरमेंट आने दो, अभी ITP एग्जाम होल्ड पर चल रहा है, जब भी ITP एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उस पर न्यू रिक्वायरमेंट देखने को आएगा, मैं बता दूंगा सारे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को कैसे आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको जो है वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि सर आई गॉट रिजेक्टेड मेल और रिजेक्शन मेल और रिजेक्शन स्टेटस। मैं बस काउंट करूंगा कितने लोगों को आया है, एक बंदा कमेंट करना, उसमें मल्टीपल लोग लाइक कर देना, मैं काउंट कर लूंगा कितने लोगों को ये वीडियो चाहिए कि हाउ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेन इन TCS। ओके, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो फिर इस तरह आप लोग दे सकते हो। और हाँ, अगर आपको अपना स्टेटस जानना है, अगर आपके पास ये मेल देखने को नहीं आया है, अगर आपको अपना स्टेटस जानना है तो फिर उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो। फिर उसके लिए जो है आप लोग अपने TCS के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप लोग जब ट्रैक माई एप्लीकेशन पे जाते हो, वहाँ पर सॉरी जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये शो करेगा वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट क्लियर द TCS सेक्शन प्रोसेस। तो ये आपको मेल देखने को, ये आपको स्टेटस देखने को आएगा, नॉट योर आफ्टर राइटिंग योर एग्जाम। आई एम अगेन रिपीटिंग, If you have logged in your TCS Next Step portal and if you are getting this regret message, it means you are not qualifying either technical interview or HR interview or DVR interview, whatever. Okay, तो यहाँ पर ये status आपको तभी देखने को आएगा if you are not clear your interview. Okay, और इस तरह का आप लोग मेल देखने को आ सकता है दो कंडीशन में। पहला, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तब आ सकता है, आई एम नॉट श्योर कंफर्म कि सभी को आता है लेकिन कुछ लोगों को आता है, और इंटरव्यू में आपको इस तरह का मेल देखने को आएगा। और ये आपको तभी देखने को आएगा आपके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर, वहाँ पर आप लोग को जो रिजेक्शन आएगा ना तो आपका सारा पोर्टल वैनिश हो जाएगा, मतलब कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लेना लॉगिन करके अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, बस गूगल पे सर्च करना TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, आपको लॉगिन करना है, आप लोग देख लेना रिजल्ट को लेकर, वहाँ पर आपको शो करेगा। अगर बैच्ड ऑप्शन आ रहा है इट्स मीन यू आर स्टिल इन द प्रोसेस एंड अप्लाई, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा इट्स मीन यू आर स्टिल वेट फॉर योर रिजल्ट इफ यू गिवन योर इंटरव्यू और व्हाटएवर। ठीक है, तो इस तरह आपको मेल देखने को आ जाएगा। और फिर देखोगे मेंशन किया गया, एज पर द TCS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू आर एलिजिबल टू रीअपीयर फॉर TCS प्रोसेस ओनली आफ्टर 6 month, बट यहाँ पर 6 month का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मेरे पास खुद TCS का 5 offer letter है, बिल्कुल डरने की बात नहीं, बस वेट करो जैसे ITP एग्जाम कंप्लीट हो, और जब भी न्यू रिक्वायरमेंट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स अगेन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो नेवर मिस माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस व्हेनेवर TCS गोइंग टू बी रिक्रूटिंग द न्यू बैचेस अगेन, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, कुछ डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि अगर आप लोगों का रिजेक्शन मेल आया है कि नहीं आया, उसके बीच में वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद। जब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड। ठीक है।